दोस्तों बैठे बैठे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सोच रहा था, तभी मेरी GTA 5 की इस वीडियो पर एक कमेंट आया कि भाई मेरे GTA 5 में मिनी मैप शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बस हमें टॉपिक तो मिल गया, बस इस वीडियो को बनाना रह गया। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं GTA 5 में मिनी मैप शो करने का रियली मतलब क्या है। तो दोस्तों ये रही हमारी नॉर्मल GTA 5 और इसमें अगर मिनी मैप शो नहीं करेगा तो सिंपली ऐसा होगा और आपको सारे मैप में जो रास्ते होते हैं और सारे प्लेसेस होते हैं आपको खुद ब खुद याद रखना होगा। दोस्तों अगर आप GTA 5 पे चैलेंजेस ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये एक एरर के तरीके से ही माना जाएगा क्योंकि ये बहुत ही दिक्कत प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे चैलेंजेस या सारे प्लेसेस को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक तरीके से एरर तो है, क्योंकि जिसको नहीं पता उसके लिए तो ये एरर है, लेकिन ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक कैसे, जैसे हम GTA 5 में जो मिनी मैप है उसको शो या फिर हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या पता गलती से इस सेटिंग को चेंज कर दिया और आपने अनजाने में किया हो, तभी आप इसे वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने हिडन GTA 5 में जो मिनी मैप होता है उसको शो कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको चैलेंजेस चाहिए तो आप जो शो मैप है, जो आपका मिनी मैप है उसको हाइड कैसे कर सकते हैं मोर चैलेंजेस के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको GTA 5 में सेटिंग्स पर चले जाना होगा और वहाँ से आपको डिस्प्ले में जाकर आपको वहाँ से रेडार को ऑन या फिर ऑफ कर देना होगा, जहाँ से आपका जो मिनी मैप है वो शो या फिर हाइड हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप अपने GTA 5 में मिनी मैप को शो या फिर हाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि आपके GTA 5 में कोई एरर है या फिर अननोन दिक्कत है वो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को ऐसी GTA 5 और या फिर और भी इंटरेस्टिंग गेम्स या फिर उनके एरर फिक्सेस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।